फ्रेंड्स स्वागत है मेरे टू चैनल एजुकेशन ब्रांच में आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार दरोगा घटना चक्र एग्जाम है दो अठारह सेकंड शिफ्ट का चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बाकीपुर पटना में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ये कहाँ है कोलकाता में अठारह अठारह का प्रथम संतान संग्राम पुस्तक लेखक कौन है तो ये कौन है कॉल मार्क्स नेक्स्ट देखते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट देखते हैं मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था तो वडनगर गुजरात में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है ग्यारह जुलाई को ग्रेफाइट का उपयोग किसने किया किसमें किया जाता है तो लेड पेंसिल में सर्वाधिक लोहा उत्पादक कौन सा राज कराता है तो आ जाएगा उड़ीसा संसद द्वारा पास किया गया विधेयक कब कानून बनता है जब राष्ट्रपति अनुमति दे दे ठीक है चलिए देख सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जैसे शेर के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है तो ये है गुजरात में कौन सा बैक्टीरिया परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो कौन सा है साइनो नाइट्रोजन स्थिरीकरण सामाजिक वानिकी का क्या अंग है तो खाली जमीन पर ईंधन ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने होने वाली विटामिन का शोषण करना मानव शरीर में किस का कार्य है तो किसका है पीतरस का गोरीचंद शिखर किस राज्य में स्थित तो है तो कहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट देखते हैं एक पारितंत्र में अवघटित अब अब होते हैं क्या होते हैं कवक और जीवाणु भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान का नाम क्या है तो मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी कहां स्थित है तो ये हैदराबाद है में देखते हैं। जीन क्या होता है अनुवांशिक क्या होता है अनुवांशिक सोना में क्या मिला जाता है तो क्या मिलाया जाता है तांबा चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है तो किससे से एक परितंत्र में अस्टोन जाति का तात्पर्य है क्या है एक जाति जो समुदाय में तथा संरचना बड़ा हो नेक्स्ट देखते हैं विधवा पूर्ण विवाह की स्थापना किसने की थी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट देखते हैं लोक तक झील कहाँ स्थित है तो मणिपुर में कहाँ स्थित है मणिपुर में भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी तो किसने लिखी थी वानभट्ट ने कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक नाइन्टी फाइव परसेंट योगी का निर्माण करता है तो कौन सा करता है कार्बन धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता तो है तो चुंबकीय देख सकते हैं यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर सम्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय किसके बराबर होगा तो किसके बराबर होगा सरकार के आय के बराबर होगा संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित करती की है किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैं मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलीजन का श्रावण कहां से होता है तो कहां से होता है परिपक्व अंडे से जुविक सॉरी जीवो के द्विनाम प्रति दो घटक कौन कौन है तो कौन है वंश और जाति देख सकते हैं मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है टेंडन क्या कहलाती है टेंडन मोनेरा में क्या नहीं होता है तो क्या होता है केंद्रक झिल्ली क्या नहीं होता केंद्रक झिल्ली किस सत्ता किस शताब्दी में इंग्लैंड ने जर्मनी पर शासन किया था किसने अठारहवीं शताब्दी में भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों कितना भाग होना आवश्यक है तो हैं साप्ताहिक चार्ली हैबडो कहां से प्रकाशित किया गया था तो कहां से किया गया था ये पेरिस से H1, N1, किसके द्वारा होता है तो विषाणु विषाणु के दौरा। किसके दौरा था? कहां, कहां के द्वारा 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 किसके एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है तो क्या किया जाता है जयपुर में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है तो किसका है पश्चिम बंगाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है तो कौन सा भाग करता है भाग चार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हुआ है किसमें आठवीं अनुसूची में, में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारतीय राष्ट्रपति के पद पर पदासीन रहे हैं तो कितने वर्ष तक रहे बारह वर्ष तक प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी कौन सी देविका रानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो सी डी देशमुख वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया किया कहाँ पढ़ रहा था तो आईआईटी मुंबई में कार्बन कर कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है तो कौन सा बना है न्यूजीलैंड की चिड़िया किस देश में पाई जाती है तो न्यूजीलैंड में ब्राज़ील की मुद्रा क्या है तो रियाल मधुमक्खी का विष क्या है अम्लीय खाना पकाने के तेल वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदल बदले जाते हैं तो हाइड्रोजनीकरण स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है तो उद्यान तो कृषि से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था कौन सा रेड ड्रैगन भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय प्राधिकृत है तो कौन सा है वित्त मंत्रालय गंगा की सहायक नदी सोन सोन किस ओर से प्रवाहित होती है तो उत्तर पूर्व चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग किस किस पत्र लिखकर कर सकता है सॉरी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश अपना पद त्याग किसे पत्र लिखकर कर सकता तो किसे कर सकता है राष्ट्रपति को मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे तो राजा रवि वर्मा हैं मेला आंचल किसकी कृति है तो फणीश्वर नाथ रेणु का भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर कैगा कर्नाटक कुंडन कुंडनकुलम तमिलनाडु नरोरा उत्तर कार काकरापारा गुजरात तो कितने परमाणु रिएक्टर हैं तीन है क्या कर्नाटक का कुंडनकुलम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर कहाँ काकरापारा गुजरात राज्यसभा एक ऐसे संस्था है कैसे है तो अस्थाई संस्था है टाइगर वुड्स सॉरी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है तो गोल्फ गोल्फ खेल से संबंधित है रेड क्रॉस का प्रतीक क्या है तो सफेद रंग के पृष्ठ पर लाल रंग का क्रॉस क्या लगा लाल रंग का होगा पीएच एक संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ क्या है क्या होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं क्षय रोग किसके कारण होता है जीवाणु के कारण होता है कोला पे में पाई गई पाई जाती है क्या कहेंगे? कोला पे में क्या पाई जाती है कैफिन पर रहित कीड़ा कौन है सिल्वर फिश अंगरहित पशु का नाम क्या है मछली अंगरहित हित पशु का नाम क्या है मछली धारु पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है मिल्क फीवर एंड्रिन हार्मोन क्या है गुस्सा एवं डर का एंड्रिल हार्मोन एंड्रिन हार्मोन से मनुष्य को गुस्सा और डर होता है ठीक है इंसुलिन हार्मोन क्या है ग्लूकोज फेरोमोस हार्मोन क्या है गंध देखते हैं प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहां थी उज्जैन मानव शरीर में वृहद हार्मोन का उत्पादन कौन करती है पीयूष ग्रंथि ठीक है चल हैं वास्को डी भारत कब आया था तो कब आया था चौदह सौ अंठानवे में ष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है तो चाणक्यों पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग तल से ऊपर है कितना परसेंट है ट्वेंटी नाइन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कालाहारी रेगिस्तान कहाँ में स्थित है तो अफ्रीका में योजना किस सूची में वर्णित है तो संवर्ती सूची में राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है कैसी है गैर संवैधानिक ये आपका एस आई मेन्स में पूछे गए क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल ही राइट है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है तो जीरो पैथलिमिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ओजोन परत क्षरण से टाइफाइड यानी मियादी बुखार भी जिसे कहते हैं किस से किससे फैलता है तो गंदा पानी से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन है रेहू और कतला वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है देहरादून में जापान के किस शहर में उन्नीस सौ चौरानवे में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में किया गया था तो कहां किया गया था यूको हमामे नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है तो असम में किस शहर और श्रीदुर्ग सॉरी श्री शहर और श्रीदुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अकबर ने पंद्रह में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था उदय सिंह शेरशाह का मकबरा कहाँ सॉरी शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है तो सासाराम में बिहार का सासारम में गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे तो आर्यभट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म के तेईसवें तीर्थकर कौन थे तो नाथ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था स्वाभिन दयानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर एनी वैशेंट बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि दी थी तो किसने दी थी रविनाथ टाइगोर ने उन्नीस में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी थी तो आठ प्रांतों में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो 1906 में प्रार्थना सम, समाज के संस्थापक कौन थे तो आत्माराम हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा को को कब प्रारंभ किया था तो उन्नीस सॉरी बारह मार्च उन्नीस सौ तीस में जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विनिमय किस देश के द्वारा किया जाता है तो किस देश के द्वारा किया जाता है सदस्य दे, देशों द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य हैं उसके द्वारा किया जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो रोजगारी तथा मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है तो अस्टैग फ्लेशन अस्टैग फ्लेशन बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या कम कर दिया जाए तो क्या कम कर दिया जाए सी आर आर की दर कम कर दी जाए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक तीन आयाम कौन कौन से हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता से प्राप्त जमा जमा पर ब्याज देना किसका कार्य नहीं है तो आरबीआई का पीली क्रांति का संबंध किससे है तो किससे तिलहन से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो किसमें है केरल में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो जेनेवा में भारतीय संविधान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किस भाग में है तो भाग चार के क में राज, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है यह कथन किसका है तो हीगेल का संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया गया था तो तेरह दिसंबर उन्नीस को पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी तो उन्नीस सौ उनतीस लाहौर अधिवेशन के दौरान संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम का देन है तो किस अधिनियम का उन्नीस सौ नौ नौ अधिवे अधिवेशन सॉरी अधिनियम उन्नीस सौ नौ अधिनियम लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है तो उपाध्यक्ष को कौन सा अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है तो कौन सा है अनुच्छेद पंद्रह सोलह उन्नीस उनतीस और तीस ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है <laughs> लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं तो कितने सदस्य को दो वित्त आयोग एक है क्या है संवैधानिक राज्यसभा में गण गन, गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है तो ट्वेंटी फाइव नैनो ट्यूब किस प्रकार का सदस्य है तो फ्लोरिंस फ्लोरिंस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेफड़ों का शब्द सॉरी फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके द्वारा किसके किसके कारण होता है तो अस्टेब्स के कारण संसद की प्राकलन समिति एक कैसी समिति थी तो अस्थाई समिति थी वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद दो में क्यूटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है तो ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है तो सीधा होता है चाहे देखते हैं परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है वीलो लकड़ी का वीलो लकड़ी का भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है नीलम्बो न्यूसीफेरा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को किटवचि पादप का उदाहरण क्या है तो नेपेथिस न्यूटन के गति का तीसरा नियम किस में शामिल होता है तो रॉकेट प्रणोदन में बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के किस के भाती कार्य करता है तो किसके वैक्यूम क्लीनर के कारण सॉरी वैक्यूम क्लीनर के भाती कार्य करते हैं बृहस्पति ग्रह वायुमंडलीय दाब पारे के कितना सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो जाए हो तो पानी सौ डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा कितना सेवेंटी सिक्स सी एम सेंटीमीटर सूर्य और तारे को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है तनाव के सलियन नेक्स्ट देखते हैं पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मेघालय के गारो पहाड़ियाँ किस किसके उत्पादन के लिए जान जाती हैं तो संतरे के लिए भारत में वन नीति का संशोधन किस सॉरी भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था उन्नीस सौ अठासी में नेफा एन ई एफ ए नेफा का तत्पर क्या है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रांटर एजेंसी पशुओं में रेड सिंधी नस्ल किस किसकी है तो गाय की भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है तो इंदिरा पॉइंट लोनावाला जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना कब हुई थी स्थापना हुई थी? 1948 में नाम दफा बाघ राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण भारत के चोटी का नाम क्या है अनाई मोडी पाचतंत्र में अमासे किसको स्रावित करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कोलाल पावर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो किसमें गुजरात में चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभी मैम का तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ चलिए धन्यवाद